अयोध्या राम मंदिर परिसर की सफाई करने वाली युवती से गैंगरेप। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 फरार। इसमें बीजेपी नेता के साथ आरोपी के संबंध भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करने वाले एक दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को अरेस्ट किया, कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस के मुताबिक अलग अलग दिन जब युवती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, तब उसके दोस्त और साथियों ने पीड़िता के साथ रेप किया। इस पूरे घटनाक्रम पर आखिर पीड़िता का क्या कुछ कहना है? युवती का आरोप है कि रिलेशन में रह रहे उसके दोस्त और उसके साथियों ने उसके साथ कई बार गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर कई दिन दुष्कर्म की घटना की गई। इस मामले में 2 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने उसे और उसके परिवार को मीडिया से दूर रहने के लिए धमकी दी। पीड़िता ने कहा, मैं श्री राम जन्मभूमि में काम करती हूँ, इस घटना के बाद से मेरा काम भी छूट गया। पीड़िता ने कहा, उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, उसके बाद वह रिलेशन में आ गया, लेकिन लड़का अचानक अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और जब मैंने भागने की कोशिश की, इस दौरान मेरे सर में चोट भी लगी, जिससे मैं बेहोश हो गई। उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। इसके बाद वो लोग मुझे गेस्ट हाउस में एक गैराज पर ले गए। वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरा वीडियो बना लिया, जिसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे। इसके बाद कई मर्तबा उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने उससे कहा है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हारी बहनों के साथ भी होगा, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उसने शुरुआत में पुलिस में केस दर्ज नहीं करवाया। बाद में जब दोबारा पुलिस के पास केस दर्ज करवाने के लिए गई तो पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। बाद में मैं कैंट थाने की पुलिस ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के प्रेशर में मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे घटनाक्रम पर आखिर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि अलग अलग दिन जब युवती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, तब उसके दोस्त और उसके साथियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। मधुवन सिंह SP सिटी अयोध्या ने कहा कि यह थाना कैंट का मामला है और 2 हफ्ते पुराना है। पीड़िता द्वारा 2 सितंबर को थाना कैंट में केस दर्ज कराया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश अभी जारी है। पता चला कि युवती के साथ रेप के मुख्य आरोपी के पिता नयन कमल चौधरी अयोध्या महानगर के करियप्पा मंडल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध भी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा हुआ, अयोध्या पुलिस क्या कुछ बता रही है, ये भी आपको सुनाते हैं। और पीड़िता किस तरह से इस दर्द से गुजर रही है, अयोध्या में बीजेपी नेता के संबंध रखने वाले युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम। राम मंदिर के लिए निकली थी अपने जॉब के लिए, तो जो वंश चौधरी है उसने मुझे अपने पास में बुला करके मेरे साथ, मतलब मुझे ले जा करके अपने पास में ही वो होटल के अंदर डायरेक्ट लेके गया। वहाँ पे उसके दोस्त पहले से ही थे और वहाँ पे मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मतलब पकड़ के मुझे अंदर मतलब खींचे, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मतलब उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। मैं ये लोग वीडियो के माध्यम से मतलब मुझे ब्लैकमेल कर करके 16 से लेकर के 25 तक, मतलब इसके बीच में मुझे अपने पास बुलाते रहे। इन लोगों ने मेरा शोषण किया और उसके बाद में 22 तारीख को इन लोगों ने मुझे बंधक बना के अपने गैराज पे वहीं बनवीरपुर पे ही रखे थे। थाना कैंट में दुष्कर्म का एक प्रकरण सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, क्या मामला है? उपरोक्त प्रकरण 2/9/2024 का है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर उस वक्त पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 तारीख को बयान करवाया गया था और उसी के आधार पर उस समय संबंधित अभियुक्त व बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह व न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
जिसके संबंध में उस समय प्रेस नोट जारी किया गया था, सबको कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया था, उसी प्रकरण को पूर्व इस समय प्रसारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में अवगत करवाना चाहेंगे कि दिनांक 2/9/2024 को पीड़िता के द्वारा थाना कैंट पर एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा अपने पूर्व परिचित मित्र व उनके साथियों के ऊपर विभिन्न तिथियों पर जब वह अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने गई थी तो उसके व उसके साथियों के द्वारा दुराचार व शील भंग का आरोप का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान 183 BNSS के तहत बयान करवाया गया, जिसमें उसके ऊपर तीन लोगों के, जिनमें दो बाल अपचारी थे व एक अभियुक्त के खिलाफ दुराचार व अन्य लोगों के ऊपर शील भंग का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में शारिक व दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत व बाल सुधार गृह भेजा गया एवं शील भंग में जिन पे आरोप लगाया गया था उनमें विनय पासी, शिवा सोनकर, उदित सिंह व सत्यम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा।